वेल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वीराज राजू कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज किस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यह एक पृथ्वीराज राज कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले है कि ये किस तरह की अवेलेबल है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वेल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राजू कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने अवेलेबल है कि अवेलेबल है. है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर वायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है ये बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय Thank like वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राज कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में रिलीज़ की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये ये किस 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 तरह की गई, की गई, की मूवी बनाई गई 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 पर किस पर रिलीज़ रिलीज़ लैंग्वेज लैंग्वेज में में एंड एंड अभी फाइनली अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या बहुत ज्यादा है बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय Thank like वेल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राजू कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस 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 तरह की गई, की गई, की मूवी बनाई गई 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 पर किस पर रिलीज़ रिलीज़ लैंग्वेज लैंग्वेज में में एंड एंड अभी फाइनली अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर वायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है ये बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राज कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले कि यूट्यूब पर अवेलेबल है. है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वेल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राजू कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरह की यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर वायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है ये बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राज कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने अवेलेबल है कि अवेलेबल है. है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वेल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राजू कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में रिलीज की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले है कि ये किस तरह की यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरु वायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है ये बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हां आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राज कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले है कि ये किस तरह की यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यह एक पृथ्वी राजू कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में रिलीज की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले कि यूट्यूब पर अवेलेबल है. है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है ये बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले कि यूट्यूब पर अवेलेबल है. है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी आई है बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राज कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में रिलीज की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले है कि ये किस तरह की अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है ये बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यह एक पृथ्वी कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले कि यूट्यूब पर, पर, पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वेल well, तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राजू कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में रिलीज की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले है कि ये किस तरह की यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रजेंट की जा सकती है तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले कि यूट्यूब पर, पर, पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय mikey वेल well, तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राजू कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में रिलीज की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले कि यूट्यूब पर, पर, पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय like वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने अवेलेबल है कि अवेलेबल है. है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस, इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय Like वेल well, तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राज कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में रिलीज की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने अवेलेबल है कि अवेलेबल है. है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर वायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है ये बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है है बस एवरेज सी और सी रखी गई तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहां पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय like भल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले कि यूट्यूब पर अवेलेबल है. है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय Like वेल well, तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल हो ची होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वी राज कुमारन की मूवी है जो कि साल दो में रिलीज की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस 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 तरह की गई, की गई, की मूवी बनाई गई 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 पर किस पर रिलीज़ रिलीज़ लैंग्वेज लैंग्वेज में में एंड एंड अभी फाइनली अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर वायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय Like वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रजेंट की जा सकती है तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वीराज राजकुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले कि यूट्यूब पर अवेलेबल है. है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय Like वेल well, तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रेजेंट की जा सकती है तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वीराज राजकुमारन की मूवी है जो कि साल दो में रिलीज की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस 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 तरह की गई, की गई, की मूवी बनाई गई 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 पर किस पर रिलीज़ रिलीज़ लैंग्वेज लैंग्वेज में में एंड एंड अभी फाइनली अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर अम्बल नादी दायल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय Like वल तो जी मलयालम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है कुछ कॉमेडी होती हैं कुछ रोमांटिक होती हैं कुछ ड्रामेटिकल होती होती हैं कुछ थ्रिलर होती हैं बट कुछ एक्शन भी होती हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉन्टेंट देखना पसंद है ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पर एंड यहीं पर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों का माइंड सेट बिल्कुल ही तब्दील कर सकती है जी हाँ अगर आप लोग एक्शन लवर हैं बट कॉमेडी थोड़ी बहुत देख लेते हैं तो हाँ आप लोगों के लिए यह मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी भरपूर अंदाज में है एंड आप लोगों को इस कदर कॉमेडी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकती है कि हाँ भाई कॉमेडी इस तरह से भी प्रजेंट की जा सकती है तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी गुरुवायूर अम्बल नादियाल के बारे में अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये एक पृथ्वीराज राजकुमारन की मूवी है जो कि साल दो में की गई थी एंड अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस 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 तरह की गई, की गई, की मूवी बनाई गई 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 पर पर रिलीज़ रिलीज़ लैंग्वेज लैंग्वेज में में एंड एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुवायूर वायूर अम्बल नादी दाइल के बारे में अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे बासिल जोजेफ़ देखने को मिलेंगे निखिला विमाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अनस्वरा राजन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बाद आई एम डी बी रेटिंग क्या दी गई है इसकी डायरेक्शन को किसने संभाला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की आई रेटिंग पर कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा है ये बस डिसेंट सी रखी गई है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई रेटिंग पर ही बात कर लेते हैं तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा या बस एवरेज सी, सी रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉमेडी दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कॉमेडी के अलावा भी हमें कुछ देखने को मिलेगा तो ड्रामा तो ऑब्वियसली हर एक मूवी के अंदर होता ही है लेकिन यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिसे यहाँ पर संभाला है जी विपिन दास ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनकी अगर हम बात करें कि पास में कौन कौन सी मूवी हैं तो जस्ट लाइक जाया 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 है उसी के साथ साथ अंताक्षरी मधु गाव उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई हैं एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अगर आप लोग कॉमेडी लवर हैं थ्रिलर लवर हैं तो हाँ आप लोग इनकी मूवीज़ को तो एक चांस दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर मलयालम जुबान की मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस मलयालम दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट पर हिंदी जुबान में ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इसे इंजॉय Like